आपने सुना होगा सूरदास जी का नाम। कहते हैं उन्हें कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई और सुंदर स्त्री ने उन्हें इतना आकर्षित कर लिया कि उन्होंने कहा कि इन आँखों का उपयोग सुंदर स्त्री को देखने में करना व्यर्थ है, इसलिए इन आँखों को फोड़ लेना चाहिए। इसमें तो केवल परमात्मा की, भगवान कृष्ण की ही सुरति, स्मृति, उनकी ही याद, उनकी ही गूंज भर देनी चाहिए। इसलिए कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। लेकिन जिन्होंने भगवत्ता का अनुभव किया है, उन सब बुद्धों का कहना है कि ये साधु महात्माओं की चाल है। सूरदास जी ने जैसे पद्य लिखे हैं, जैसे गीत लिखे हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि ऐसा आदमी अपनी आंखें फोड़ सकता ही नहीं। ये तो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि इंद्रियों से बचो, इंद्रियों के रस में मत डूबो, इंद्रियों को तोड़ो, इंद्रियों को काटो, इंद्रियों के सुख से वंचित हो जाओ, ये संदेश देने के लिए लोगों ने सूरदास जी के साथ कहानी जोड़ दी। लेकिन सूरदास जी ने जिस तरीके से कृष्ण के प्रेम में उनके वात्सल्य जीवन का वर्णन किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा संबुद्ध व्यक्ति कभी ऐसी नासमझी का कृत्य कर ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों को बंद कर लो, इंद्रियों को सुखा दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो आप उसमें डूबोगे नहीं, उनसे बच जाओगे। लेकिन मेरा तो मानना है कि आँख बंद कर लेने से बांसुरी का बजना बंद नहीं होता है। मान लो कोई सुंदर स्त्री जा रही है, अब आपने उसको देखा, फिर आपने आँखें बंद कर ली कि अब दिखाई न पड़ेगी तो चली जाएगी। अगर आपने आंख बंद कर ली तो ये समझ लेना कि अब वो और जोर जोर से याद आने लगेगी आपको, अब उसका सौंदर्य और बढ़ जाएगा, अब बांसुरी और जोर से बजने लगेगी। आप कहते हैं न रहे बांस न बजे बांसुरी, मैं कहता हूं अगर अब तो बांसुरी और जोर से बजने लगेगी। और वो स्त्री जिसको देखकर आपने आंखें बंद कर ली थी, वो स्त्री अब और ज्यादा, कई गुना ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ने लगेगी। वस्तुतः स्त्री में उतना सौंदर्य नहीं होता है, क्योंकि स्त्री मिल जाती है तो दो दिन के बाद दो कौड़ी की हो जाती है। उसका सौंदर्य तब तक है जब तक वो मिली नहीं, बांसुरी तब तक बजती रहती है जब तक वो मिली नहीं, मिलते ही बांसुरी बजना बंद हो जाती है। तो अगर तुम इंद्रियों का विरोध करोगे तो तुम्हारी बांसुरी बजती रहेगी, इंद्रियां और बेचैन करेंगी तुम्हें, और तुम्हें तड़पाएंगी, और तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर देंगी। तुम करना चाहोगे कुछ, करोगे कुछ, चलोगे इधर, पैर पड़ेंगे उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसी दुर्दशा तुम्हारी होगी। इसलिए इंद्रियां परमात्मा की दी हुई, परमात्मा प्रदत्त शक्तियां हैं, उनका उपयोग करो। स्त्री की बात ही छोड़ो, कोई खूसट बुढ़ा भी रास्ते पर जा रहा हो, बस सिर्फ बुर्का ओढ़े हुए हो, रास्ते पे निकाल दो, थोड़ी देर में देखने वालों की छातियां थम जाएंगी, लोगों की धड़कन बढ़ जाएगी, लुच्चे लफंगे सीटियां बजाने लगेंगे, फिल्मी गीत गाने लगेंगे। एक बार मैं गंगा किनारे बैठा था अपने मित्र के संग, बहुत रियल लाइफ इवेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। हमारे साथ दो मित्र और बैठे थे, एक मित्र से नहीं रहा गया, कोई गंगा में नहा रहा था, सुंदर शरीर था, देह सुंदर थी, गोरी चिट्टी, बाल भी लंबे लंबे बिखरे थे। उन्होंने कहा दूर से इतना सुंदर लग रहा है, मैं जरा पास से देख कर आता हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा है, मज़े से देखो। थोड़ी देर बाद घूम के आए तो कहते यार कोई साधु महाराज नहा रहे हैं, पश्चिम की स्त्रियाँ पूरब की स्त्रियों से ज़्यादा सुंदर नहीं मालूम पड़ती, भारतवर्ष की स्त्रियाँ ज़्यादा सुंदर मालूम पड़ती, इसलिए नहीं कि वह ज़्यादा सुंदर है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने सौंदर्य को ढक रखा है। उन्होंने ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं कि उनका सौंदर्य उन वस्त्रों में छिपा हुआ है। उस आकर्षण का कुल राज इतना है कि उसने अपने शरीर को उघाड़ा नहीं है, पश्चिम की स्त्रियों ने शरीर को उघाड़ दिया है। और पश्चिम की स्त्रियां समुद्र तट पर जाकर देखिए, हजारों की संख्या में पश्चिम की स्त्रियां नंगे नहा रही हैं, नंगे तट पर खड़ी हैं, अर्ध नग्न हैं, 10 आदमी भी उनको देखने के लिए इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि सारा आकर्षण गया।
दुनिया के जितने धर्म हैं सब ने तपश्चर्या की बात की, सब ने इंद्रियों को तोड़ने, इंद्रियों को खत्म करने की बात की, जीव के स्वाद तक को मार दो, यहाँ तक बात कही गई कि स्वादिष्ट भोजन भी मत करो, और बात यहाँ तक आगे बढ़ी कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी नीम की चटनी बनवाया करते थे, और जो साबरमती आश्रम में अतिथि रुका करते थे उनके लिए अनिवार्य था कि सब लोग नीम की चटनी जरूर खाएंगे। उसके पीछे कुल एक ही उद्देश्य था कि स्वादहीन चीज़ों को खाने से जिह्वा का स्वाद, जिह्वा के तंतु मर जाते हैं, और स्वादिष्ट भोजन करने की ललक, स्वादिष्ट भोजन करने की तड़प इंद्रियों में नहीं रह जाती है। इसलिए कोई जीव काटे जा रहा है, कोई आँख फोड़े जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में आपको कहा है कि इंद्रियों के सुख से बचो, इंद्रियों के आकर्षण से बचो।